हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को वह बदसेहड़ा, लाहड़, सासन, जटेहड़ी, दरवेली, अमरोह एवं अमरोह सियान में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुँचे। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में करोड़ों के घोटाले करने वाले अब किस मुँह से वोट मांग रहे हैं। वो वक्त भी रहा जब लोग कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थे, लोग घरों से निकलने से भी डर रहे थे, लेकिन ऐसी महामारी में भी भाजपा सरकार घोटालों में लगी हुई थी। कोरोना के नाम ऐसे घोटालों को अंजाम देकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। प्रदेश सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए दवा क्षेत्र के उद्योगों की फीस 15,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी, जिससे बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि लघु उद्योग बंद हुए। यह बात हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि सफेदपोश बनने वाली प्रदेश सरकार के समय जमकर घोटाले हुए हैं, जिसकी एक चार्जशीट कांग्रेस ने बनाई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों का सच जनता बखूबी जानती है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार सत्ता में मदहोश रही, जबकि 5 वर्ष जहाँ हमीरपुर विकास को तरसता रहा, वहीं जनता सुविधाओं को तरसती रही है। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद।